आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी शहर जिला मुख्यालय सिवनी में मैदानों की कमी है। खेल के मैदान वैसे भी नहीं है। पॉलिटेक्निक कॉलेज का खेल का मैदान और खेल के मैदान में श्वान, आवारा श्वान यहां आपको घूमते हुए दिख रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस खेल के मैदान, इकलौता ही खेल का मैदान माना जा सकता है जो सभी के लिए उपलब्ध है। वैसे अगर आप देखें, फुटबॉल स्टेडियम मूलतः वो स्टेडियम हुआ करता था जिसे सिर्फ फुटबॉल के अलावा दूसरे खेल वहाँ पर आप नहीं खेल सकते हैं। क्रिकेट का स्टेडियम सिवनी में नहीं है, हॉकी का स्टेडियम पृथक से है, पर इस पॉलिटेक्निक कॉलेज का उपयोग, खेल का मैदान का उपयोग खेल के अलावा दीगर कामों के लिए किया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर श्वान आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरे पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको कचरा दिखाई दे रहा होगा। दरअसल जब भी कोई सरकारी आयोजन होता है, मेले का आयोजन किया जाना है या कोई भी आयोजन होना है, कभी धार्मिक कार्यक्रम होने हैं, तो इस पॉलिटेक्निक कॉलेज के खेल के मैदान का उपयोग कर लिया जाता है। आयोजक यहां पर, ये देखिए पिच भी आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दरअसल आयोजकों को ये मैदान बहुत सहज तरीके से उपलब्ध करा दिया जाता है और आयोजक, ये देखिए यहाँ पर आपको नीचे जो दिखाई दे रहे हैं चमकते हुए, ये कांच के टुकड़े हैं। रात ढलते ही यहाँ पर मैजदे शराबी यहाँ पर आ जाते हैं और शराब यहाँ पर, तबीयत से शराब पी जाती है। बार बार शिकायत करने के बाद भी इस मामले में अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। यहाँ कृषि मेले का आयोजन किया गया था और इस कृषि मेले के आयोजन के बाद, ये कृषि मेले का आयोजन 27 तारीख को किया गया था और 29 तारीख का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। 29 तारीख का, ये 27 तारीख के बाद 28 तारीख का नज़ारा, और शुरुआत में हमने 29 तारीख का नज़ारा दिखाया। अभी यहाँ टेंट निकलना चालू हुआ और यहाँ देख सकते हैं आप, कृषि मेले के आयोजन के उपरांत किस कदर गंदगी पसरी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज का खेल का मैदान इकलौता ऐसा मैदान माना जा सकता है जिस मैदान में सुबह सवेरे लोग सैर करने भी जाते हैं, क्रिकेट खेलने वाले यहाँ सुबह क्रिकेट भी खेलते हैं, वर्जिश करने वाले यहाँ वर्जिश किया करते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर संघ की शाखाएं भी लगती हैं, महिला और पुरुष दोनों वर्ग की शाखाएं यहाँ पर लगा करती हैं। देख सकते हैं आप यहाँ किस कदर गंदगी पसरी पड़ी है। दरअसल होना ये चाहिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रबंधन को, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य को ये चाहिए कि जिस किसी भी को भी ये, भले ही वो सरकारी विभाग को अगर दिया जाता है, तो सरकारी विभाग को दिए जाने के बाद जिस स्थिति में दिया गया उसी स्थिति में वापस लेने के लिए पाबंद किया जाना चाहिए। गंदगी किस कदर पसरी हुई है यहाँ आप देख सकते हैं। जो खिलाड़ी यहाँ आते हैं, वे खिलाड़ी सुबह झाड़ू, उनके पास झाड़ू भी नहीं होती, वे यहाँ वहाँ से कुछ झाड़ियाँ एकत्र करके थोड़े थोड़े हिस्से में, चूंकि रकबा बहुत बड़ा है इस खेल के मैदान का, थोड़े थोड़े से हिस्से में वे झाड़ू लगाकर कचरा किनारे करते हैं, पर उसके बाद यहाँ किस तरह से हवा के चलते फिर एक बार कचरा पूरे मैदान में बिखर जाता है। जिला कलेक्टर क्षितिज सिंगल को चाहिए कि वे आयोजक पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रशासन को इसके लिए ताकीद जरूर करेंगे। जब भी यहाँ देखिए, खाने के डब्बे आपको पड़े हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, पानी के पाउच, खाने के डब्बे, दीवार के किनारे तक ये उड़कर पहुँच चुके हैं। जिला कलेक्टर क्षितिज सिंगल को चाहिए कि वे पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रबंधन को इस बारे में ताकीद करें कि जब भी यहाँ कोई आयोजन भविष्य में किया जाता है, तो जैसे ही आयोजन समाप्त होता है उसके उपरांत 3 से 4 घंटे के अंदर इस मैदान की सफाई करवा दी जाए, या नगरपालिका परिषद को इसके लिए जो भी नगरपालिका परिषद के चार्जेस हों उसका भुगतान आयोजक के द्वारा कराया जाए और नगरपालिका परिषद अपने सफाई कर्मियों से यहाँ पर इसकी सफाई करवा दे। हमने आपको पहले भी दिखाया था समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में कि किस तरह यहाँ शराब की बोतलें एकत्र की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता बाबा पांडे, अजय बाबा पांडे के द्वारा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान ये बात कही थी कि जब उनके द्वारा इसकी सफाई कराई गई थी इस मैदान की, चूँकि यहाँ पर एक कार्यक्रम विधायक दिनेश राय
के द्वारा कराया गया था। उसके बाद जब उनके द्वारा सफाई कराई गई थी तो आधा, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, आवारा मवेशी भी यहाँ बैठे हुए आपको दिख रहे होते। अजय बाबा पांडे का कहना यह था कि लगभग आधा ट्रॉली से ज़्यादा शराब की बोतलें बीन कर उनके द्वारा उठाई गई थी। ये आवारा मवेशी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो मैदान है, उस मैदान में गंदगी आपको दिखाई दे रही होगी। सुबह सवेरे जब यहाँ खिलाड़ी आते हैं, सद्भाव ग्रुप के द्वारा, सद्भाव क्लब के द्वारा सुबह यहाँ पर वर्जिश भी की जाती है और क्रिकेट भी खेला जाता है। उनके द्वारा सफाई कर खुद ही सफाई की जाती है। निश्चित तौर पर बहुत शर्मनाक स्थिति है। आयोजकों को पॉलिटेक्निक प्रशासन के द्वारा, ये देखिए डब्बे यहाँ पर, खाने के डब्बे आपको दिखाई दे रहे होंगे, आयोजकों को पॉलिटेक्निक प्रशासन के द्वारा मैदान तो दे दिया जाता है, पर मैदान जब उनके द्वारा, जब आयोजक यहाँ से जाते हैं तो सफाई की और किसी का ध्यान नहीं होता है। बहुत गंभीर बात मानी जा सकती है। सिवनी में क्रिकेट स्टेडियम का अभाव है। जिला क्रिकेट एसोसिएशन DCA होने के बाद भी सिवनी को एक अदद क्रिकेट का मैदान नहीं मिल पाया है। इसके साथ ही एक स्टेडियम बनाया गया है बींजावाड़ा में, उस स्टेडियम में शायद ही कोई अभी तक खेलने गया हो। दरअसल सिवनी के लिए जो भी किया जाता है सिवनी के निवासियों से पूछे बिना किया जाता है। अभी वर्तमान में जो ऑडिटोरियम बन रहा है, उस ऑडिटोरियम के बारे में भी सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से बातें, तरह तरह की बातें सामने आ रही। होना ये चाहिए था जिस स्थान पर ऑडिटोरियम बन रहा है उसके बजाय उद्योग कार्यालय की, पॉलिटेक्निक के पीछे जो ज़मीन पड़ी है जहाँ पर उद्योग लगे नहीं हैं पर लोगों का कब्जा उसके ऊपर है, वहाँ ऑडिटोरियम बनाया जाना चाहिए। डालडा फैक्ट्री की इस स्वामित्व में, ये देखिए यहाँ पर आपको कितने मटर के दाने और बहुत सारी खाद्य सामग्री भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो डालडा फैक्ट्री जहाँ पर है, उस डालडा फैक्ट्री की जगह पर अगर ऑडिटोरियम बना दिया जाए तो वो सबसे ज़्यादा मुफीद होगा लोगों के लिए, सिवनी के निवासियों के लिए। सिवनी के लिए अगर कुछ हो रहा है तो सिवनी के नागरिकों से एक बार पूछ तो लिया जाना चाहिए। विडम्बना ही कही जाएगी कि सिवनी के जनप्रतिनिधि भी इस मामले में प्रशासन की हाँ में हाँ मिलाते ही नज़र आते हैं। ये देखिए यहाँ पर डब्बे आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम आपको पूरे मैदान का चक्कर लगा कर दिखा रहे हैं। कांच यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कांच पड़ा हुआ, शराब की बोतलें यहाँ पर, शराब पीने के बाद मैजदे आपस में लड़ते हैं और उसके बाद शराब की बोतलें यहाँ फेंक कर जाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इतना बड़ा आयोजन हुआ और एक ही आपको प्रसादन के लिए एक ही यहाँ पर चलित मूत्रालय दिख रहा होगा। इतने बड़े इलाके में जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुँचे और उनके प्रसादन के लिए आप देख सकते हैं एक टैंकर, सिर्फ पीने के पानी के लिए एक टैंकर, एक ही प्रसादन के लिए यहाँ पर चलित मूत्रालय रखा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं सिवनी में किस तरह का की प्रशासनिक व्यवस्था वर्तमान में जारी है, किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था सिवनी में चल रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पूरा मैदान गंदगी से अटा पड़ा है। पॉलिटेक्निक प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जिलाधिकारी क्षितिज सिंगल को इस ओर ध्यान देना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।